दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी कुछ दिन पहले आपने यहीं से लाइव देखा था हमारी रिपोर्ट। आप जिलाध्यक्ष हरेंद्र भाटी अपनी टीम के साथ यहीं पर आए थे और धरना करने की चेतावनी दी थी और यहां पर बिल्कुल पानी भरा था, गंदा बदबूदार सीवर का पानी यहाँ पर भरा था। उस दिन तो यहाँ से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जब इन्होंने धरना करने की चेतावनी दी तो यहाँ पर साफ सफाई हो गई, पानी निकाल दिया गया। अब ये वापस यहाँ पर आए हैं और कुछ कहना चाहते हैं, आइए बातचीत करते हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, हरेंद्र भाटी जी। नमस्कार जी। सर उस दिन आपने यहाँ पर धरना करने की चेतावनी दी थी और यहाँ पर बहुत गंदा पानी भरा हुआ था, निकलने का रास्ता भी नहीं था। आज तो सर साफ सफाई हो गई, आज क्यों आए हैं आप यहाँ पर? हम आज इसलिए आए हैं, यहाँ पर कल से मशीन लगी हुई है और अभी तक यहाँ पर सफाई हुई है, पर इतने अच्छे तरीके से नहीं हुई। नालियाँ अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई, मशीन अभी मौजूद है यहाँ पर। एक तो अगर हमें हर चीज़ के लिए इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आवाज़ उठा के काम करना है तो हम अभी इस सफाई को भी प्रॉपर सफाई नहीं मानते हैं। यहाँ अभी भी पानी थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है और मशीन को प्रॉपर सफाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों को उठाती आई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के हम सिपाही बन के हर समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी हफ्ते भर पहले यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से हमने ये पानी की समस्या जो पिछले 9 साल से बनी हुई थी, लोगों का जीना यहाँ दुश्वार हो चुका था, यहाँ पता नहीं कितनी मौतें हो चुकी थी, लोगों का निकलना भारी हो रहा था, उस सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा था। एक बार आम आदमी पार्टी आई यहाँ पर और उसके खौफ से सरकार ने आनन फानन में यहाँ पर सफाई अभियान चालू कर दिया। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचारी इसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं और भाग जाते हैं। यही एक उदाहरण है आम आदमी पार्टी का। अभी जुम्मा 3 से 4 दिन हुए और सफाई के लिए हमने आंदोलन के लिए बोला कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन के डर से ही ये भाजपा सरकार इसकी सफाई अभियान उन्होंने चालू कर दिया। अब मैं भाजपा सरकार को ये चेताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, यहाँ पर अनेकों मौतें होती हैं। इस स्टेशन के ऊपर एक ब्रिज बनना चाहिए, ये हमारी आम आदमी पार्टी की जनता की तरफ से मांग है और हम जनता के साथ हैं। अगर यहाँ पर ब्रिज नहीं बनाया गया तो आम आदमी पार्टी, जो यहाँ के हमारे लोकल वार्ड के नेता हैं, हमारे प्रदेश के नेता भी यहाँ रहते हैं, सारे उनके साथ मिलके आम आदमी पार्टी पूरा जिला इकाई यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। और जब तक ये यहाँ पर ओवर ब्रिज पारित नहीं करेंगे, प्रस्तावित नहीं करेंगे और अप्रूव नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी इनको चेतारी और एक विशाल धरने का रूप ये लेगी। तो हरेंद्र भाटी जी कह रहे हैं कि हमने धरना करने की चेतावनी दी, उस चेतावनी से सरकार डर गई और यहाँ पर आनन फानन में मशीन लगाकर साफ सफाई शुरू करवा दी, लेकिन बारिश होगी तो फिर से पानी जमा हो जाएगा और जनता की फिर से समस्या बढ़ जाएगी। इसको देखते हुए ये कह रहे हैं कि या तो अंडर पास बने या तो ओवर ब्रिज बने, जैसी भी जगह यहाँ पर मिले सरकार को इसका अस्थायी समाधान निकालना चाहिए। बाकी और भी नेता यहाँ पर आए हुए हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में? मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जिला स्तर की इकाई ने आज एक सप्ताह पहले एक इस सरकार को जगाने के लिए एक प्रदर्शन किया और सरकार ने जिस तरीके से ये पानी आनन फानन में निकाला है, हम एक निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि क्या हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आज प्रदर्शन करना पड़ेगा? देखो आंदोलन से निकली हुई पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर और आम जनमानस की हित की चिंता के लिए वो समाज सेवा के अंदर आए और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को बदल के रख दिया, पंजाब बदल रहा है, हरियाणा भी बदलेंगे, हम ये निवेदन करना चाहते हैं इस मौजूदा सरकार से कि जिस तरीके से यहाँ घुटनों घुटनों पानी खड़ा रहता है, बीमारी बढ़ने की आशंका है, जिस तरीके से आम जनमानस यहाँ रह रहा है, मतलब कितनी बदतर स्थिति के अंदर रह रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि मूलभूत सुविधाएँ ये गंदगी दूर करें। लेकिन हमारे प्रयासों से मैं जिला
इकाई की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं प्रदेश उपाध्यक्ष की, मेरे पास जिम्मेवारी है, मैं व्यापारी संगठन से अमन गोयल, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जरूर संज्ञान ले और जिस तरीके से यहाँ काफ़ी हादसे होते रहे, लोगों को चोटें लगती रही हैं, लोगों ने यहाँ जवान लोगों ने अपना जीवन खो दिया जिस तरीके से, तो यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बनना चाहिए। अगर ब्रिज नहीं बना तो आम आदमी पार्टी बड़े भरपूर तरीके से प्रदर्शन करेगी और इस सरकार को जगाने का प्रयास करेगी, और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सफाई कराई है उसी तरीके से ओवर ब्रिज भी बनवा के रहेगी। ठीक है सर। संतोष यादव जी, थोड़ा सा शॉर्ट में अपनी बात रखिए। प्रताप जी, ये जो मुजेसर फाटक है, यहाँ फरीदाबाद के प्रत्येक विधानसभा से शायद ही कोई ऐसा क्षेत्रवासी होगा जिसका आवागमन यहाँ से नहीं होगा, और आए दिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। हमारी तो केवल ये मांग है कि कांग्रेस राज में भी यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बना और भाजपा राज में भी नहीं बना, जल्दी से जल्दी अगर ये बनाए, नहीं बनाएंगे तो आम आदमी पार्टियाँ आंदोलन करेंगे। आप लोग बनाएंगे आने के बाद? इबादा तो बनाई देंगे, हम तो वो काम करेंगे जो आज तक कांग्रेस भाजपा ने किए नहीं है। भाजपा नहीं कर पाई तो आप लोग करेंगे? तो करके दिखाएंगे। हाँ सर, कुछ कहेंगे आप? विजय गोदारा। हाँ गोदारा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं, मेरा गांव मुझे सर विजय गोदारा, प्रदेश सचिव किसान शहर। जो हमने यहाँ पे अभी 4-5 दिन पहले हमने यहाँ के मुद्दे उठाए थे मुझे सर के, जिसमें फाटक का मेन मुद्दा था, अब इन्होंने छोट मुट से पानी तो निकाल दिया है, लेकिन यहाँ बारिश हो जाएगी और इन नालियों का पानी इंदिरा नगर का आएगा, फिर जमा हो जाएगा। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इसका परमानेंट इलाज करे, और जो हमारी ये फाटक रेलवे फाटक है, इसके हमारे अंडरपास बनना चाहिए, और हमें जीटी रोड पे ओवर ब्रिज चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ से लाखों लोग निकलते हैं, ड्यूटी पैसे वाले जनानी भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, यार रिश्तेदार भी हैं, सभी यहाँ से निकलते हैं। दूसरी बात ये है कि ना हमारे पास मुझे सर के कम से कम 10 मुद्दे ऐसे हैं, या तो ये सरकार करती है और नहीं करेगी तो हम अनशन करके इनको जगाएंगे, सारे काम करेंगे। आपकी भी यही मांग है ओवर ब्रिज बनना चाहिए? हाँ जी, मेरी यही मांग है कि यहाँ पर या तो अंडर ब्रिज बने, और जो यहाँ की समस्या, जो यहाँ पे बार बार ये जल भराव हो जाता है, जो यहाँ पर बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं या विधायक हैं, वो क्यों पूरी इच्छा के साथ काम नहीं करते हैं, एक बार इस समस्या को खत्म क्यों नहीं करते हैं, उनकी मंशा क्या है कि बार बार आते हैं, जब हम धरना करते हैं तो एक दिन सफाई हो जाती है, उसके बाद फिर गंध हो जाता है, ये बार बार चलता रहता है, तो इस समस्या का समाधान वो एक बार में क्यों नहीं करते? होना चाहिए। हाँ हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं। हाँ सर, अपना नाम बताया। मैं संजय जुनेजा, जिला अध्यक्ष व्यापार सेल से। आज हम जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज से एक हफ्ता पहले हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर घुटने घुटने पानी था। आज उसमें प्रशासन ने कार्रवाई तो की है, लेकिन वो ना के बराबर है। हमारी मांग है कि इसको प्रॉपर तरीके से नालियों को साफ किया जाए, पानी को साफ किया जाए। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर एक ब्रिज की जरूरत है, और ब्रिज की हम मांग करते हैं। अगर सरकार ने ब्रिज की मांग को हमारी नहीं माना तो यहाँ पर हम अनशन पर भी बैठेंगे। आम आदमी पार्टी इन्हीं समाज कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। बिल्कुल जी, रिंकू सिलानी जी। जो यहाँ पे मुझे सर के यहाँ पे आप देखोगे ट्रेन जा रही है, कैमरे से दिखा दो, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के किस तरीके से यहाँ से निकल के जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ और महिला सभी के साथ एक हादसे जो यहाँ पे बनते हैं, ये ओवर ब्रिज होने की ना वजह से बनते हैं। अगर यहाँ पे ओवर ब्रिज बन जाए तो ये बहुत सारे यहाँ से लोग आसानी से निकल जाएंगे। और आप देखोगे नालियों को देखो किस तरीके से पानी भरा हुआ है, आप अपने कैमरामैन से दिखाइए। ये सरकार जो दावे करती है शहर के अंदर की हमने बड़े बड़े काम करे, मैं कहता हूँ इनके काम तो कीचड़ में बह रहे हैं। ये देखिए आप कितना पानी बह रहा, बदबूदार पानी कीचड़ के अंदर। नाली देखिए, जहाँ आप नाली की बात करोगे कैमरे में आप दिखा दीजिए किस तरीके से ये नाली गंदी की फैल रही है यहाँ पे। तो ये तो सरकार ने सिर्फ एक झूठा आवासन दे के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आज मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो गरीब है, चाहे वो युवाओं की आवाज़ है, या वो बिजली आंदोलन, हर किसी मुद्दे पर आवाज उठा रही है, और आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर बनेगी सरकार और ये सारे काम करवा के रहेगी। राजेंद्र जी क्या कहें? आम आदमी पार्टी केजरीवाल। भाई साहब, ये हमने यहाँ पे प्रदर्शन वगैरह करा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व, हरेंद्र भाटी जी के नेतृत्व में, आम आदमी के प्रयास से। इन्होंने क्या करा, आंगन भांगन में गाड़ी बुला के, 9 साल हो गए, 9 साल में पहली बार आपसे डर गए। हमारे से क्या डरे, जनता से डर गए, क्योंकि आगे जनता इनको वोट नहीं देगी, इसलिए इन्हें पानी तो निकलवा दिया है।
लेकिन इसका स्थायी समाधान करें, इसको नाली को खुदवा के और शिविर को साफ कराएं और आगे उसमें पानी गिरे और एक बिजली का खम्भा है नाली के अंदर है, इसमें करंट आता रहता है और लोग इसके छुपके जाते हैं, कईयों की करंट भी आ गया, इसको भी बदलवाने का काम करें और आम आदमी पार्टी नहीं तो फिर आइए थोड़ा देख लेते हैं। देखो मशीन वशीन लगा दी गई है, पानी निकाला जा रहा है, बाकी यहाँ पर जब पानी जमा हो जाता है तो ये खम्भे डूब जाते हैं और नंगी नंगी तारे आप लोग देख रहे हैं, नंगी नंगी तारे हैं, पानी से टच हो जाती हैं तो करंट फैल जाता है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ न कुछ करना चाहिए या इसको हटाना चाहिए। यहाँ से पानी भरा रहता है, नंगे तार हैं, अच्छा नंगे तार, नंगे तारे देख लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नंगे तार हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर किसी दिन हादसा होगा, हो भी गए कई बार, गाय मर गई है, फिर एक बार भैंस मर गई थी और कई आपका हाथ ना अटक गया है, लेकिन आप सामने देख लो जी, बिल्कुल जी इसका भी समाधान होना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। दिखाओ हरिंदर भाटी जी, दिखा रहे हैं कि तार नंगी पड़ी है, अगर किसी को टच हो गया, अगर किसी जानवर को टच हो जाता तो यहीं पर खत्म हो जाता है वो जानवर, अर्थ नीचे है, पानी भर जाएगा, पानी भर जाता है यहाँ से, तो कैसे इस पानी में से रोड से निकलेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कारण ही है इनकी कोई सफाई नहीं हो रही, बस पानी को शक करके कर रहे हैं, फिर बारिश आएगी और फिर पानी आ जाएगा, तो पानी को जो है टैंकर में ले जा रहे हैं, यहाँ साफ सफाई करवानी चाहिए परमानेंट, और वो पाइप देखो तो पाइप दिखा में वो ने जो पाइप जो हथका है पड़ रहे का वो उखड़ के और नाली बने ना जब जाके पानी पास होगा। धर्मेंद्र जी आराम से आओ नहीं तो करंट लग जाएगा। हाँ हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम हितराम चौहान है। तो अभी तो थोड़ा सफाई हो गई, आगे क्या मांगे? सफाई धरना नहीं करना पड़ा? नहीं, धरना नहीं है, धरना किया है जब तो ये पानी निकला है, आंदोलन नहीं करना पड़ा? नहीं, आंदोलन तो अभी करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आंदोलन तो करेंगे, क्योंकि यहाँ का स्थाई जब तक समाधान नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे कई हादसे हो गए हैं, ओवर ब्रिज इसका बनना चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते में एक दो एक्सीडेंट होता है, यहाँ रेल से आदमी कट जाते हैं, इस पानी का समस्या का कोई समाधान नहीं है, इसका सरकार को ये चाहिए कि इसकी नाली बनाए, नहीं है तो इसमें पाइप डाले जिससे कि ये सीवर लाइन डाले जिससे कि इसका स्थाई समाधान तो ये है। अब ये नहीं है कि काम कर दे बस, सही बात है, कह रहे हैं स्थाई समाधान होना चाहिए, इसमें सीवर लाइन डालनी चाहिए और यहाँ पर ओवरब्रिज या अंडरपास बनना चाहिए। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, क्या साफ सफाई बरकरार रहती है या फिर से नरक जैसी हालत यहाँ पर होती है। आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं और कह रहे हैं अगर फिर से गंदगी हुई तो आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।